तो नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का सबसे ज्यादा ट्रेंड अभी चला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया सरकार और इंडिया सरकार की इसके संबंध भी अच्छे हैं, आपको पता होगा। उनको देखते हुए ऑस्ट्रेलिया सरकार ने एक बार घोषणा भी की थी, मैंने भी वीडियो बनाया था कि वीजा के नियमों में ढील दी जाएगी। जी हाँ, ये खुशखबरी अभी आ चुकी है, इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिएगा, सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं, शॉर्ट में बता देते हैं भाई। देखिए ऑस्ट्रेलिया वीजा खुशखबरी, ऑस्ट्रेलिया में बिना वीजा के काम कर पाएंगे भारतीय स्टूडेंट की बात करें, 8 साल तक आप वीजा की जरूरत नहीं है जी, और काम के घंटों की भी टाइम बढ़ा दिया गया है, जिसमें 15 दिन में आप अधिकतम 48 घंटे काम कर सकते हैं। 15 दिन में 48 घंटे ही काम करोगे, जबकि ये 7 दिन में 48 घंटे नॉर्मल आदमी काम करता है। हाँ, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनकी अगर देखभाल का कोई काम करते हैं तो उनमें टाइमिंग की सीमा लागू नहीं की गई है। अब ये स्कीम लागू कैसी होगी ये देख लो जी। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें भारत ऑस्ट्रेलिया ने कुछ महीनों पहले एक शोधकर्ताओं व्यापार के लिए अवसर खोलना है ना, गतिशीलता साझेदारी समझौते पे हस्ताक्षर किए थे। उनमें ये बोला गया था भाई इंडियन स्टूडेंट हैं उनको हम ज़्यादा मौका देंगे। तो मौके की बात यह है कि देख सकते हैं ईयरली में 3,000 लोगों को, देखिए प्रोफेशनल एक मेट्स स्कीम है जिसको मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंट अर्ली प्रोफेशनल स्कीम, ये नाम उसको दिया गया, इसको शॉर्ट में बोलते हैं मेट्स। ऑस्ट्रेलिया सरकार हर साल भारत के 3,000 युवाओं को बिना वीजा अधिकतम 8 साल तक आपको जॉब काम करने का विकल्प देगा। इसके अलावा भारतीय छात्र बिना यानी स्पॉन्सर के भी आप ऑस्ट्रेलिया में 2 साल रह सकते हैं। 15 दिन में टाइम आप मात्र 48 घंटे काम कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा साथियों, 2 साल का वर्क वीजा आप इनका विस्तार कर दिया जाएगा। नए वीजा नियम में भारत के छात्रों को मिलेगा फायदा, ये 2023 जी हां 1 जुलाई 2023 से लागू भी हो गया है। अगर आप देखिए इसमें अगर आप लोग जाते हैं स्टूडेंट वीजा में तो आपका तो 2-3-4 साल का कोर्स है वो तो कर ही सकते हो, 8 साल तक उसी में आप रह सकते हैं बिना वीजा के। उसके अलावा 2 साल तक बिना स्पॉन्सर के भी लोग वहां पे काम कर सकते हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसमें भाई साइड इफेक्ट ये आएगा कि एजेंट इसको बुनाएंगे। सरकार देखती है ना चुनाव में कोई मुद्दे को बुनाती है, जैसे कोई दंगा हो गया, किसी कुछ लड़की का कुछ गलत हो गया, तो उनको फिर वो हाईलाइट करती है, लोगों के सामने ले जाती है, वोट लेती है दूसरी सरकार, दूसरे लोग विपक्ष के लोग। सेम एजेंट आपके साथ ये कर सकते हैं, ध्यान रखना कैसे करेंगे ये चीजें आपको बताएंगे बड़े तरीके से बढ़ा चढ़ा के। जबकि साथियों मिलेगा ये कितने लोगों को, मात्र 3,000 लोगों को ये वीजा सरकार देगी, ये छूट वाले ईयर में साल में 3,000 लोगों को मिलेगा, जबकि ये 9 लाख 3 लाख 10 लाख लोगों को सपना दिखाया जाएगा और आप लोगों से मोटा पैसा लेके आपको विदेश भेजने की सोची जाएगी। हाँ जा सकते हैं, हम मना नहीं करते, एजुकेशन सबका अधिकार है, पैसा है तो भैया जाइए, लेकिन इन चीजों का ध्यान रखना है कि इनके चक्कर में न जाएं आप। 3,000 लोगों के अलावा किसी को नहीं मिलेगा। बच्चे पता नहीं अब कितने जाते होंगे, हजारों बच्चे, 25-30 हज़ार बच्चे तो ईयरली ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जा रहे हैं ना अभी, समझ रहे हैं बात को। तो बस शॉर्ट में जानकारी देनी थी, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कदम उठाइएगा। बाकी अच्छा फैसला है इंडियन सरकार का और ऑस्ट्रेलियन सरकार का, मेल मिलाप अच्छा है तो ये छूट उनको दी गई है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद जय भारत।